विशाल, अब जो चाची जी अमेरिका चली गई तो घर कितना सूना हो जाएगा ना। और अगले 2 साल तक वापस इंडिया भी नहीं आएंगे। हाँ वो बात भी है। श्वेता, सुबह के 4 बज रहे, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। विशाल, 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 बच्चे कमरे में नहीं है। खून कहाँ से आया? विशाल, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना गया। कमरे का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है, आओ घर में देखते। घोष, कहाँ है बच्चे? नेहा, घोष, कहाँ हो बेटा? ओह गॉड, अब क्या करें विशाल? किचन में देखते, आओ। हाँ चलो। नेहा, नेहा, घोष। थैंक यू सोड़ी यार, तूने मुझे आज लिफ्ट दी, मैं सच में बहुत लेट हो गया था। ओ पप्पू, तू तो ऐसे ही कह रहा है जैसे पहली बार लेट हो रहा है, मैं तुझे लिफ्ट दे रहा हूँ। अरे भाई, इसीलिए तो थैंक यू बोला तुझे मैं। मोस्ट वेलकम। क्या है ना, अकेला हूँ ना भाई, खुद चाय बनानी पड़ती है, खुद कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है, तो लेट हो जाता है कभी कभी। अरे पप्पू, तो बिल्कुल फिकर ना कर, तेरी बोटी आएगी और बड़ी खूबसूरत आएगी, तो मेरी परजाई होगी, और वैसे भी माई डार्लिंग रोशन तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है यार। एक मिनट, मेरा फोन है। हेलो, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। क्या? नहीं नहीं, मैं बस अभी आया। सोड़ी जल्दी चल, सीआईडी ब्यूरो चलना। सीआईडी के ब्यूरो क्यों, क्यों हो गया भाई? अरे भाई रास्ते में सब बताता हूँ, चल। रास्ता? पर कौन से रास्ते पे लूँ, मैंने तो रास्ता पता ही नहीं। तू गाड़ी घुमा, मैं तुझे रास्ता भी बताता हूँ, घुमा गाड़ी, घुमा ले। आपके लिए केस जारी है मतलब? एसीपी साहब, मुझे ये पता लगाना है कि वो बदमाश के पड़ोसी के घर पे टप्पू के पापा के फोटो पर क्लिप क्यों लगी हुई थी। अब चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे है कौन ये जिसके घर में आपके पति जेठालाल का फोटो मिला और उस पर डार्ट्स किसने मारे, हम पता लगा लेंगे। थैंक यू, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है, पर मैं भी आप लोगों के साथ आऊं प्लीज। अरे नहीं देवन, आप घबराइए मत, जेठालाल जी को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से घर जाइए। और वैसे भी आपने टप्पू के पापा को कुछ खिलाया नहीं है, बेचारे भूख के मारे आपका इंतजार कर रहे होंगे। हैं? अरे हाँ, बेचारे टप्पू के पापा ने खाना खाया होगा कि नहीं। अरे बहुत लेट हो गया है, आप प्लीज वो बदमाश को ढूंढ निकालना, आप प्लीज, आप सबको ऑल बेस्ट, हाँ ऑल बेस्ट, सबको ऑल बेस्ट, प्लीज ढूंढ निकालना उसको। जय हिंद। और कौन है जी जिसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे 6 दबड़ा को मारने की कोशिश कर रहा है? उन्हें तो मैं छोटा हानी। आराम से सोड़ी, सीआईडी ब्यूरो है। सॉरी सीआईडी सर। एक मिनट, आप है कौन? सर माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और ये मैं जी रोशन सिंह सोड़ी हूँ, गैराज चलाता हूँ, गोकुल धाम में रहता हूँ। सीआईडी सर, मैं अपने गोकुल धाम को बहुत प्यार करता हूँ जी, पर जैसे ही पता चला कि मेरे जेठा ब्रा को कोई जान से मारने वाला है तो मैं बेकाबू हो गया हूँ। आप प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सीआईडी सर। देखिए जेठालाल के केस की तहकीकात हो रही है, छानबीन चल रही है और बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि सबके पीछे कौन है। जी जल्दी सर, अगर प्लीज आप लोगों को दिक्कत ना हो तो इस केस में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या है ना, माई स्पेशलाइजेशन इज क्राइम रिपोर्टिंग। प्लीज सर, सर प्लीज सर, मेरा तो बचपन से ये ड्रीम था कि मैं सीआईडी वालों के साथ कोई ना कोई एक केस सॉल्व करूं। तो ये ड्रीम पूरे होने जा रहा है, तो प्लीज आप इसमें हमको सपोर्ट कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मगर हम लोग हैं ना, आप लोग अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? सुडी सुडी मेरे भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, जैसे ये केस सुलझ जाता है ना, मैं तूफान एक्सप्रेस में इन सब के बारे में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा कलर फोटो के साथ।
हेलो खून, ठीक है हम लोग देखते हैं। या किसका खून हुआ सर? खून किसका हुआ? आप लोग घबराइए मत, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ। एक लड़की का खून हो गया सर। ये निशान देख रहे हो अभिजीत? लगता है गला घोट के मारा गया। बिल्कुल करेक्ट, लगता है खूनी ने किसी पतले से तार का इस्तेमाल किया इसका गला दबाने के लिए। वैसे और तो कोई चोट के निशान पूरे शरीर पे है नहीं? नहीं सर, नहीं है। ये देखिए सर, इसकी ये चप्पल बिल्कुल सूखी और साफ सुथरी, जबकि कल रात को थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई थी। मतलब इसका खून कहीं और किया गया और बाद में बॉडी यहाँ ला के डाल दी गई। सर अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को जंगल या किसी सुनसान जगह डाल देता है, मगर इस खूनी ने इस लाश को किसी और के घर में छोड़ दिया जानबूझ कर, ताकि वो इनसे बदला ले सके और साथ ही साथ विशाल और श्वेता से भी दुश्मनी निकाल सके। हाँ सर, तभी तो जाते वक्त वे इनके बच्चे को भी साथ ले गया। एक मिनट डॉक्टर सर। सर हमारे बच्चे तो मिल जाएंगे ना? आप लोग घबराइए मत, हम लोग बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। तो आप कह रहे थे कि आप इस औरत को बिल्कुल नहीं जानते? जी सर। देखिए दिमाग पे जोर डालिए, शायद आपने इसे पहले कभी देखा हो यहाँ बिल्डिंग के आसपास या कहीं मार्केट प्लेस में। नहीं सर। सर अगर मैं एक चेहरा एक बार देखता हूँ तो उसे फिर कभी नहीं भूलता, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं पहचानता। हाँ सर, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। उसके पास कोई आईडी, मोबाइल फोन भी नहीं है, नहीं तो इसकी पहचान हो जाती है। अरे जो मर चुकी है आप उसके पीछे इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अगर इतनी ही मेहनत आप मेरे बच्चों को ढूंढने में करें तो शायद वो मिल जाए। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। सॉरी सर, बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा बस इसीलिए। नहीं, हम इनकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारा एक ऑफिसर बाहर पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा है, किसी न किसी ने जरूर देखा होगा आपके बच्चों को अगर खूनी लेके गया है तो। क्या उम्र क्या है आपके बच्चों की? सर मेरा बेटा कुछ 8 साल का है और बेटी नेहा 6 साल की। इतने छोटे बच्चों को आप लोग घर में अकेला छोड़ के गए थे? श्वेता की चाची जी अमेरिका से आई थी, हम उन्हें वापस छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। ऐसे किसी पे शक है आपको, कौन ये काम कर सकते हैं? नहीं सर, किसी पे शक नहीं सर, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? तो जो कोई भी है तो आस पास वाला ही, क्योंकि घर में कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है। शायद उस आदमी के पास आपके घर की चाबी थी। लेकिन हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी और किसी के पास नहीं है। आपके नौकर के पास भी नहीं? जी नहीं। अभिजीत। हाँ सर। मुझे लगता है बच्चों का कमरा एक बार फिर से चेक करना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग यहीं रुकिए। जी सर। अभिजीत, ये चादर जिसपे खून बिखरा पड़ा है इससे मैं फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ, और यहाँ आसपास से फिंगरप्रिंट्स भी उठा लेता हूँ। सर कहीं ये खून उन बच्चों का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि लाश किचन में है और किचन से लेके बेडरूम तक हमें खून की एक बूंद भी नहीं मिली। अभिजीत, जितनी मात्रा में ये चादर पे खून बिखरा पड़ा है उसे देख करके तो यही लगता है जिस किसी का भी ये खून है उसकी जान खतरे में है बॉस। सर मैंने आसपास पूछताछ की है, किसी ने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना। कमाल है, कोई बात नहीं, एक बार इस लाश की पहचान हो जाए फिर अपने आप सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगे। आइए। सर इनका नाम गगन है, मिसिंग पर्सन ब्यूरो वालों ने इनका नंबर दिया था। सर सर हमें जो लाश मिली थी वो इनकी पत्नी सृष्टि की है। ये सब क्या हो गया सर, मेरी पत्नी सृष्टि को किसने मार डाला सर? देखिए हम उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पत्नी की लाश हमें इनके घर से मिली है। क्या इसका मतलब इन लोगों ने मारा मेरी पत्नी को? अरे हम मारा क्यों मारेंगे, हम तो उसे जानते तक नहीं थे। सर उसे क्या, हम तो इन्हें भी नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। एक मिनट गगन जी, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं सर। देखा सर, सर जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं सर, भला उसका खून हम क्यों करेंगे? हो सकता है कि आपकी पत्नी इन्हें जानती थी। नहीं सर, मैं सृष्टि के सारे दोस्तों और उसके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, इनको नहीं जानती थी। अच्छा, और किसी पर शक है आपको, किसने मारा होगा आपकी पत्नी को? पता नहीं सर, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती, भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा था सर। सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है,
आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी सृष्टि की लाश कब दे रहे अंतिम संस्कार के लिए। देखिए गगन जी, जैसे हमारी तहकीकात पूरी हो जाएगी आपकी पत्नी की लाश हम आपको दे देंगे, तब तक आप घर जाइए और आराम कीजिए। सर, क्या हम लोग भी जा सकते हैं? ठीक है, आप भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। जाइए। अजीब बात है सर, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है फिर भी गगन की पत्नी की लाश विशाल के घर पे। हाँ सर, और ऐसा भी नहीं कि ये दोनों आसपास रहते हो। विशाल रहता है मालवीय नगर में और ये गगन सिविल लाइंस में। हाँ, अगर खूनी ने सृष्टि का खून सिविल लाइंस में किया तो वहां से 20 किलोमीटर दूर मालवीय नगर में लाश क्यों छोड़ेगा, वो भी किसी दूसरे के घर पे। वही तो अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जरूर जानते हैं। इन सबकी कुंडलियां निकालो, निकालो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ये गगन इसी ऑफिस में काम करता है। गगन कुमार? जी हाँ, गगन कुमार, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जी सर, वो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मगर बात क्या है? गगन की पत्नी सृष्टि का खून हो गया है, हम उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। तो इसीलिए गगन काम पर नहीं आया? हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी की लाश किसी और के घर में मिली है। विशाल और श्वेता नाम है उनका, आपने कभी ये नाम सुने हैं? नहीं तो। ये विशाल है और ये श्वेता, शायद कभी आपने इन्हें गगन के साथ देखा? नहीं सर, गगन के दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ये दोनों तो बिल्कुल अजनबी है। कहीं गगन ने अपनी बीवी को? क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि गगन ने खुद अपनी पत्नी का खून किया? यकीन से तो नहीं कह सकता सर, पर पिछले कुछ दिनों से किसी से घंटों फोन पर बातें किया करता था, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी खुसुर फुसुर की आवाज आती रहती थी। क्या, वॉशरूम में भी बातें किया करता था? अरे ऐसा कौन सा खास इंसान है जिसे ये गगन बातें किया करता था? ये तो पता नहीं सर, शायद कोई लड़की हो जिसके प्यार में उसने अपनी बीवी को। इस गगन के फोन रिकॉर्ड निकालने होंगे। सर, हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला सर, ये रहे गगन के कॉल रिकॉर्ड्स। वो घंटों घंटों किसी लड़की से नहीं बल्कि एक मयंक नाम के लड़के से बात कर रहा था सर। मयंक? मतलब ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। और ये विशाल और गगन, इनके बारे में कुछ पता चला, इनका कोई संबंध है? नहीं सर, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं आपस में। बॉस यार, एक बहुत बुरी खबर। क्या? वो विशाल के बच्चों के बेड पर जो हमें खून मिला था वो दरअसल विशाल के बच्चों का ही है। क्या, दोनों बच्चों का? हाँ, और कुछ और भी मिला है वहां पर। क्या सुनोगे और क्या? बस वो वैभव गया लैब टेस्टिंग के लिए, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। सर, बच्चों का क्या हुआ ये पता लगाने के लिए जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंचना पड़ेगा। और अभिजीत, मुजरिम तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस मयंक तक पहुंचना चाहिए। मयंक? ओए पप्पू, ये बंदा मिला ना तो मैं नु छटा वाली देखिए। सोटी सोटी, ठंड रख, हम सीआईडी वालों के साथ हैं, जोश के साथ, थोड़ा होश में। ओके पप्पू, करेक्ट, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। ये वाला घर? ओ खोलना भाई। दया सर होते तो चुटकी में दरवाजा तोड़ देते। क्या बोल रहे हैं फ्रेडी भाई, दया भाभी दरवाजा तोड़ती? अरे दया भाभी नहीं, दया सर। दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो दया सर नहीं तोड़ सकते। मिल जाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, दरवाजा तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। एक मिनट ना भाई साहब, आप जरा साइड में आ जाइए, एक मिनट। कौन सी बड़ी बात है, आप दरवाजा तोड़ेंगे? सीआईडी सर, आप अपने पप्पू को जानते नहीं है, और ये हवा में दुनिया ही ला देता है। तो वैसे भी अपना पप्पू जो है ना, युवा वरिष्ठ अपराधी पत्रकार है जी। सोडी, मैं वरिष्ठ युवा इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओए पप्पू, तूने अंग्रेजी में बोला और मैंने हिंदी में बोला, बात तो एक ही हुई ना। बराबर बात। ओके। अरे पोपट जी, आप इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हैं, आप बेफिसूल में किसी का नुकसान हो जाएगा। हम है ना, हम कुछ करते, दरवाजा खोल देते हैं।
ओके आप खोल लो उसमें क्या है दरवाजा ही खोलना ना कोई भी खोले क्या है आइए आइए आप एग्जैक्टली आइए खोलिए अरे वाह क्या बात है सीआईडी सर ओए कितने चुपके बैठा बाहर निकल जेठालाल की फोटो यहाँ पर पप्पू ये तो चेटा प्ला के फोटो पे निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार रेडी जी पंकज घर सर्च करके देखते हैं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा ओए चेटा प्ला तुझे फिक्र ना करो मैं इस निशाने पांच को वो सबक सिखाऊंगा किसकी साथ नहीं साथ पूछते आगे आपको जो नमस्कार करेगी चेटा लाली बैठो आप रेडी ये देखिए कल के फ्लाइट की टिकट करा रखी है इस कमलेश ने सर दिल्ली भागने का प्लान था इसका और दिल्ली तो क्या तारे तक भी भागने नहीं देंगे हम इसे सुधी सुधी शांत हो जा मेरे भाई शांत हो जा प्लीज आप कमलेश अरे सुनिए आप लोग किसी कमलेश को जानते हैं जो जेठालाल का दुश्मन हो या किसी से अनबन हो काविन जी जेठालाल जी भगवान के आदमी है उनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती नहीं नहीं हाँ वो अपनी दिया पापी जी है ना उनकी फूफी जी नहीं मामी जी आराम से आप सोच के बताइए और सीएडी सर जी उनकी जो फूफी जी है ना उनकी भतीजी के यहाँ दो महीने पहले एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम कमलेश है ओपो ये दो महीने का बच्चा अपने जेठा प्रा को किडनैप क्यों करेगा यार मैं तो यही बोल रहा हूँ दो महीने का बच्चा जेठालाल को किडनैप कैसे कर सकता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना पप्पू गुड जोक पंकज कुछ मिला हाँ सर ये क्या मिला पंकज सर ये नोटपैड पे ये लैंडलाइन नंबर मिला है सर लैंडलाइन नंबर ये क्या इंक गीली है मतलब जिसने भी ये नंबर लिखा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा इस नंबर पे फोन करो फौरन देखा सोड़ी सीआईडी वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है कहीं से भी सुराग निकाल लेते हैं जय सीआईडी जय हिंद हेलो हाँ कौन बोल रहा है मच्छर मच्छर ये कैसा नाम है मच्छर नाम है अपुन का सुपारी लेता हूँ वो भी एक एक हड्डी तोड़ने की किसकी हड्डी तोड़ना है वो बोलो सर ये भाई साहब तो हड्डी तोड़वाने के पैसे लेते इंटरेस्टिंग पंकज जी काम करो इस मच्छर के साथ एक मीटिंग फिक्स करो मच्छर भाई मुझे एक जानी दुश्मन की हड्डियां तोड़वानी है बताओ मैं कब और कहां मिलूं दोपहर 2 बजे मर्ड होटल के पास दोपहर 2 बजे मर्ड होटल के पास मर्ड होटल हाँ आप फिक्र मत करिए आपके टिकट बुक हो गए हैं ठीक है जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ये गगन की फोटो है जानते होगे ना इसे हाँ कुछ दिन पहले ये यहाँ पर आए थे गोवा की टिकट बुक कराने मगर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सीआईडी ये गगन गोवा किसके साथ जाने वाला था अपनी पत्नी श्वेता के साथ श्वेता लेकिन गगन की पत्नी तो सृष्टि है ना नहीं सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है ये देखिए मिस्टर गगन ने खुद सिग्नेचर किया है और अपना नाम भी लिखा है गगन और श्वेता सर मिस्टर गगन से हमारी अक्सर बात होती थी गोवा की बुकिंग के बारे में फिर अचानक इनका फोन आना बंद हो गया पता नहीं क्या हुआ सर ये दोनों तो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं मैं कुछ समझा नहीं सीआईडी को मिस्टर गगन की ट्रिप से क्या लेना देना आपको समझने की जरूरत नहीं है सीआईडी को सब कुछ समझ में आ गया है गगन और श्वेता सर वो देखिए श्वेता जी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गई चलो देखें जरा कहां जा रही है सैर सपाटे पे सर ये श्वेता जा पा रही है अभी पता चल जाएगा भाई
राइट राइट। रुकना रुकना, श्वेता उस आदमी से मिलने हैं। देखते हैं है कौन ये। अरे है कौन, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। अरे तो गगन है। ओ, एक बात तो 100% सच है सर, इन दोनों ने हमसे झूठ बोला है। दोनों के बीच कुछ तू तू में हो रही है। अरे श्वेता तो जा रही है। जाने दो जाने दो। अरे गगन। सर आप लोग यहाँ? चलिए गगन जी, हम आपको श्वेता के घर ले चलते। सर मुझे थोड़ा काम है। चलो चलो पंच, श्वेता के घर गाड़ी लो। सर आप लोग यहाँ? अरे वो कुछ नहीं है, बेटी को भूख लगी थी, ले यहाँ समोसा खाने आ गए, तो तुम दिखाई पड़ गए और साथ में श्वेता जी। गगन जी हमें तो लगा था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो फिर इतनी बहसबाजी। इसका मतलब आप सब लोगों ने सब कुछ? हाँ सब कुछ पता चल गया है। क्या चक्कर है तुम्हारा और श्वेता का? मैं और श्वेता सबसे पहले शॉपिंग मॉल में मिले थे, हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहली नज़र में एक दूसरे को चाहने लगे। ओह सर लव स्टोरी। लेकिन फिर मुझे अपनी पत्नी सृष्टि का ख्याल आया, मैंने उसे साफ मना कर दिया कि हमें एक दूसरे के जीवन साथियों की तरह देखना चाहिए, बेवफाई नहीं करनी चाहिए। मगर श्वेता तैयार नहीं हुई, इसलिए उसने सृष्टि को मार दिया, है ना? श्वेता ने मारा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। अभी श्वेता तुमसे क्यों मिलने आई थी यहाँ पे? वो अभी यही कहने आई थी कि अब सृष्टि तो रही नहीं, अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपने पति और बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बस इसी बात पर नाराज होकर चली गई। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। बस क्या है झूठ क्या है इसका पता चल जाए। चला अभी पता चल जाएगा तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। बेटा दरवाजा खोलिए। देखना जरा। सर ये तो मर चुकी है। मर चुकी ऑफिसर? श्वेता ये एक मिनट। श्वेता को क्या हुआ? संभालिए मिस्टर विशाल, एक्चुअली श्वेता अब इस दुनिया में नहीं रही। सर मेरी श्वेता को कुछ नहीं हो सकता सर, श्वेता मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सर। प्लीज 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 विशाल संभालिए अपने आप को। क्या ये इसके होंठ तो नीले पड़ गए, मौत जहर से हुई? सर यहाँ आसपास तो कोई था नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वेता ने जहर पी के आत्महत्या की हो? सर श्वेता आत्महत्या क्यों करेगी सर? ये अभी पता चल जाएगा। रेडी निखिल, पूरे घर को अच्छी तरीके से छान मारो, देखो वो जहर की बोतल मिलती है क्या। तो मिस्टर गगन क्या कहना है अब आपको? सर सब इसका किया था सर, पहले इसने अपनी बीवी को मारा और फिर मेरी श्वेता को मार दिया सर। मैंने किसी को नहीं मारा, जिस वक्त आपकी बीवी की मौत हुई उस वक्त मैं सीआईडी वालों के साथ था, आप इनसे पूछ सकते हैं। सर जहर की बोतल तो दिखी नहीं। सर हर जगह चेक कर लिया लेकिन कोई ऐसी चीज मिली नहीं सर। जब श्वेता तुमसे बाजार में मिलने आई थी कहीं उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं किया? श्वेता इससे मिलने कब और क्यों सर? अभी आधे घंटे पहले बाजार में। इसका कहना है कि श्वेता इससे प्यार करती थी और आपको छोड़कर इससे शादी करने वाली थी। ये झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। सर मेरी श्वेता इतने मुझसे प्यार करती थी सर, इसने मेरी बीवी का खून किया और अपनी बीवी का खून मेरी श्वेता के सर पे लगा दिया सर। सर झूठ बोल रहा है, वो मेरे बच्चे का है। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता,
जैसे आपने अपनी बीवी खोई तो वैसे मैंने भी अपनी बीवी खोई। केस तो बिल्कुल दलदल की तरह धंसता जा रहा है। हो सकता है श्वेता ने स्लो पॉइजन पिया हो इस गगन से मिलने से पहले। एक काम कर, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो और पूरे घर की अच्छी तरीके से जांच करते हैं। या या इट वाज वंडरफुल। अरे बहुत अच्छी लग रही थी तुम। अच्छा जी, मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी है। क्या शाम को? हाँ हाँ मिल सकते हैं बिल्कुल, बताओ कहाँ मिलना। सर किससे मिलने की बात हो रही है, हमें भी तो बताइए। सुनो यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। या आ गए आप लोग? श्वेता को जहर कब दिया गया था? 2-3 घंटे पहले। मतलब इसके गगन से मिलने से पहले? बस एक खुशखबरी है। क्या? क्राइम स्पॉट पर इतना सारा खून देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन थैंक गॉड हमारा अंदाजा गलत था। दरअसल ये खून डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड है? डाइल्यूटेड मतलब? मतलब ये बॉस कि इस खून में एक केमिकल मिलाया गया है, वरना खून की असल मात्रा बहुत कम है। खून की मात्रा कम थी, मतलब बच्चों की जान सही सलामत है। थैंक गॉड। बॉस खून की असल मात्रा तो सिर्फ इतनी थी जितनी एक आदमी को ब्लड टेस्ट के लिए जरूरत पड़ती है। बस उतना ही था? बस। तो हो सकता है बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया हो हाल ही में, और वही जो ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला गया था वही खूनी ने चुराया होगा। हो सकता। सचिन विशाल को फोन करके पता लगाओ। सर। हेलो। हाँ विशाल, अच्छा ये बताइए कि हाल फिलहाल में क्या आपके बच्चों का ब्लड टेस्ट हुआ है क्या? 3 दिन पहले। अच्छा कहाँ पे हुआ है? ठीक है ठीक है। हाँ सर, विशाल के बच्चों का ब्लड टेस्ट तो हुआ था, जनरल चेकअप, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि कहाँ पे, क्योंकि बच्चों को लेके श्वेता गई थी। बस एक खबर और। क्या? विशाल के एक बच्चे को एलर्जी, और इसलिए उसे सेलेनारो फ्लेम नाम की दवाई की रोज जरूरत पड़ती है। सेलेनारो फ्लेम? सेलेनारो फ्लेम? कुनी ने ब्लड टेस्ट के लिए लिया गया ब्लड सैंपल चुरा कर ये सारा नाटक किया। इसका मतलब है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये सेलेनारो फ्लेम दवाई खरीदने के लिए उसे किसी मेडिकल शॉप में ही जाना पड़ेगा। कोना स्प्रे से भर दिया, लेकिन जहर के बारे में कुछ पता नहीं चला। जहर यही है निखिल, यही है, यही कहीं है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। सोचो जरा जहर किन किन तरीकों से बॉडी में जा सकता है। खाने पीने की चीजों से। चेक किया? हाँ सर, पूरा किचन स्प्रे कर डाला मगर कुछ नहीं मिला। और क्या तरीका हो सकता है? जहरीली पीने या सुई किसी के शरीर में चुभो दी जाए उसके जरिए। लेकिन फॉरेंसिक से पता चला है कि श्वेता के शरीर में इंजेक्शन या पिन का कोई निशान तो है नहीं, इस तरीके से भी जहर अंदर नहीं गया है। और क्या तरीका हो सकता है? किसी जहरीली चीज को छूने से, त्वचा के जरिए। करेक्ट, त्वचा के जरिए। अगर किसी ऐसी चीज को छुआ जाए जिसमें जहर है तो शरीर के अंदर जहर जा सकता है। ऐसी चीज क्या हो सकती है? रोजमर्रा की चीजें जिन्हें वो हाथ लगाती थी, किताब। या फिर एक मिनट, चेकबुक। 7 चेक काटी गई है आज के दिन, देखना जरा। ओह, जहर इस चेकबुक पे था। वंश, विशाल को बुला जरा। सर, चेकबुक के पन्ने पलटने के लिए श्वेता ने
उंगली जीभ पे लगाई होगी और इस पे लगा हुआ जहर इसकी बॉडी में चला गया। सर विशाल, इस चेकबुक पे जहर है। कब इशू की गई थी ये चेकबुक? सर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते पहले। रेडी, जरा यूडी बैंक से पता करो इस सीरीज की चेकबुक उन्होंने कब इशू की है। आज 7 चेक काटे गए हैं इसमें से। किन लोगों को इशू किए गए हैं चेक? सर मुझे नहीं मालूम। सर मैंने नहीं साइन किए थे, श्वेता ने साइन किए थे। श्वेता ने? सर हमने एक छोटी सी कंपनी खोली थी, वहाँ की सारी पेमेंट श्वेता इस चेकबुक से किया करती थी। सर बैंक वाले कह रहे कि उन्होंने इस सीरीज की चेकबुक जारी नहीं की है, ये चेकबुक तो नकली है। चेकबुक नकली है? ये नकली चेकबुक आपके घर में कहाँ से आई? सर मुझे नहीं मालूम। कोई आसपास वाले का ही काम है, कोई ऐसा आदमी जिसकी नजर आपकी एक एक हरकत पे है। हाँ सचिन, ओके, तो उस गुंडे के बारे में पता चल गया जिसे जेठालाल के पड़ोसी ने सुपारी दी थी। साहब पैसे? ए, चल कट ले। बाजू हट, अपने हिस्से की ऑक्सीजन क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अबे तेरे को अभी हॉस्पिटल में मिलेगी ऑक्सीजन, तेरी हड्डियां तोड़ने आए, समझा क्या? तुम मच्छर भाई की हड्डियां तोड़ने आए हो? क्यों दुनिया की हड्डियां तोड़ता है? अबे चल, और तो भी तेरी मच्छर गिर। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे तेरी सुपारी ले रखी है, तेरी 6 हड्डियां तोड़ने की। चुप, किसने दिए? जेठा ने। जेठा ने? और तूने भी तो जेठा की 5 हड्डियां तोड़ने की सुपारी ली थी। 5 नहीं, 6। तुम लोग कौन हो? इंटरनेशनल गुंडे क्या? सीआईडी। गुड जॉब। थैंक यू सर। अच्छा काम किया तुम दोनों ने। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओए ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो सबक सिखाना है तुझे। मच्छर, तुझे मसल के मैं चीटी बना दूंगा। और हाँ, तुम्हारे खिलाफ मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल छापूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। अब इससे पहले ये तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करें, बताओ कि जेठालाल की सुपारी किसने दी थी? पहले मुझे नीचे तो उतारो। जब तक बोलेगा नहीं तब तक हवा में ऐसे ही लटके रहेगा। सर मैं वो आदमी को नहीं जानता। सर उस आदमी ने कहा था जेठालाल की दुकान पे जाओ, वो सर वो भी वहां पे आने वाला है। जेठालाल की दुकान। एक्सक्यूज मी, आपके पास सिलेनारो फ्लेम नाम की दवाई है क्या? हाँ जी है तो सही, पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा हम ये दवाई देते नहीं किसी को। वैसे भी हम लोग दवाई लेने नहीं आए, दवाई के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे। केडी सर। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये दवाई काफी खास किस्म की है, तो बहुत कम लोग खरीदते होंगे ना ये दवाई? जी हाँ, हर एक ग्राहक इस्तेमाल नहीं करता ये दवाई। तो इसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से होती होगी? जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई आदमी आया था ये दवाई खरीदने? हाँ जी, सुबह एक कस्टमर ये दवाई लेने आया था। उसका चेहरा याद है आपको? हाँ जी याद है, और वो कस्टमर वापस ये दवाई लेने आएगा क्योंकि सुबह हमारे पास इसका स्टॉक नहीं था। वापस आने वाला है? हाँ जी। कितने बजे? कभी भी आ सकते हैं। अरे भाई साहब सिलेंडर फ्लेम देना जरा, और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे देरी हो रही है। बड़ी जल्दी आपको? अरे आप सुबह तो यहाँ कोई और आपको कहीं देखा लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या हुआ गगन जी, तबीयत खराब है क्या? मेडिकल शॉप में घूम रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सरदर्द था, उसी की दवाई लेने आया। सरदर्द के लिए सिलेनारो फ्लेम? बच्चे कहाँ हैं? अभी ले चलता हूँ। चल Thank you.
आप दोनों नेहा और कुश हो ना? हाँ अंकल, आपको कैसे पता? क्योंकि हम सीआईडी अंकल हैं। सीआईडी अंकल को सब कुछ पता है। मैं भी बड़ा होकर सीआईडी बनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बनना। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप दोनों में से चॉकलेट कौन खाएगा? मैं भी। ये रही चॉकलेट, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये अंकल लाए थे आपको यहाँ पे इस घर में? खुश, नेहा, पापा। बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? पापा हम तो बिल्कुल ठीक है, पर मम्मी का है? हमें तो मम्मी के पास जाना है। हाँ बेटा, पर बेटा आप दोनों को यहाँ लेके कौन आया? सीआईडी के होते ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक मजबूर बाप अपने बच्चों से जुदा हो जाए। शहजर, आप बच्चों को संभाल लो। सर, चलो बच्चों अंदर चले, चलो। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू सो मच। श्वेता के जाने के बाद ये बच्चे ही मेरे जीने का सहारा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूँ तुम ये एहसान कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस एहसान की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या मतलब? विक्रम, गगन यहाँ पर? सर साफ साफ बताइए बात क्या है। बंद करो ये ड्रामा, तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है हमें। ये अंकल लाए थे आपको यहाँ पे इस घर में? ठीक है बेटा, हम लोग आप लोगों को आपके पापा के पास ले चलते हैं। नहीं अंकल, हमें नहीं आना है, हमें यहाँ ही रहना है। अरे आप लोगों को घर नहीं जाना, यहीं रहना है? नहीं, जब तक हमारे पापा ना कहे हमें यहाँ ही रहना पड़ेगा। ये बात आपके पापा ने कहा? हाँ, वो हमसे यहाँ रोज मिलने आते हैं। क्यों अगवा किया अपने बच्चों को और क्यों मारा अपनी पत्नी को तुमने? क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता था। तंग आ गया था मैं उससे, उसके नखरों से, उसके तानों से, उसके झगड़ों से। लेकिन वो मुझे तलाक देने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिसके लिए मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो। यानी सृष्टि? जी हाँ, सबसे पहले मैंने सृष्टि को पैसों का लालच देकर अपनी ओर की, और फिर गगन को श्वेता के साथ प्यार का नाटक रचने के लिए तैयार किया, ताकि सबको ऐसा लगे कि सृष्टि की मौत की जिम्मेदार श्वेता थी। और श्वेता का खून इस तरीके से किया कि वो आत्महत्या लगे? जी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मगर श्वेता का गगन के साथ कोई संबंध था ही नहीं, तो फिर श्वेता गगन से मिलने क्यों गई? क्योंकि मैंने ही उसे वहां फोन करके बुलाया था, ताकि उसे बता सकूं कि विशाल ने अपने बच्चों को खुद किडनैप किया है। मैं जानता था कि आप उसके पीछे पीछे वहां तक आएंगे और मेरी बताई हुई झूठी कहानी का विश्वास कर लेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, अगर पकड़े गए तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? किसके भरोसे बड़े होंगे वो? मासूम बच्चों से मां छीन ली तुमने। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब इसीलिए किया कि श्वेता के मरने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जीऊंगा। सुकून तो अब जेल की सलाखों के पीछे ढूंढना, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। फोन करके तो बता दो, होने वाला है। नहीं, अभी जितना को फोन मत कर भाई, हम सीआईडी वालों के साथ है, हमें उनके प्लान को फॉलो करना है। और जेठालाल को हम कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं। अबे ये हवा भर रहा है या टायर पंचर कर रहा है? तो भी एक बात याद रखना, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। yes! और जो सीआईडी के लिए काम करते हैं वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, उन्हें शातिर रहना पड़ता है, क्योंकि शिकार
कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकता है। तो जैसे ही शिकार आए उसको लपक लेना। ए पप्पू, हमें शिकार करने आए हैं। शिकार करना कानूनन जुर्म है और तू अंदर हो जाएगा। ओ यार, जनरली तो कैसी बातें कर रहा तू? समझ गया। अलर्ट सीआईडी, चौकन्ने एकदम। अजय अभी तक आए? इशारे में बताना उनको। इशारा? हाँ, चौकन्ने इशारे। ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सीआईडी वाले भी हैं। ये लोग यहां से, सीआईडी वाले यहां से। उधर क्या देख रहे हैं? चलिए। मेरे साथ धोखा किया बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर गया? नहीं नहीं, इधर क्या? सॉरी, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। अरे मैं बिल्कुल अलर्ट हूं। शाबाश। क्यों थक रहे हो? किसी भी गुनेगार के पैरों में इतना दम नहीं कि वो सीआईडी से भाग सके। अब बता। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई साहब। ओए, पर तू चेटा अपना को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? और सच्चे सच्चे बताना, नहीं तो 5 हड्डी 6 हड्डी का कॉन्ट्रैक्ट भूल जा। जितने तेरे शरीर में हड्डियां है ना, उसका कचूमर बना के तुझे खिला दूंगा मैं। मेरी हड्डियां भाई, सॉरी यार। सही साहब, चेटा भाई बिल्डर है और मैंने उनके उनके बिल्डिंग में एक रूम लिया है और मैं तो वो मुझे रूम दे रहे हैं और मैंने जो एडवांस पैसे दिए वो भी खा गए साहब। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है, सच में गलतफहमी हो गई है। मैं बहुत सीधा साधा कच्चे व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है जिसमें टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह मैं बेचता हूँ। मैं बहुत सीधा काम करता हूँ, ये ऐसा सब काम मैं नहीं करता है? जेठालाल बिल्डर है? जेठालाल बिल्डर कब से बन गया यार? मैंने भी वही पूछा। सॉरी, जेठालाल की तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, खुद की। अब सच बता। नहीं साहब, आपकी कोई गलत फहमी हो रही है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे दोस्त अंकुश से पूछ लीजिए, उसने मुझे कहा था कि जेठा भाई बिल्डर है। अंकुश कहाँ मिलेगा हमें? ये अंकुश कौन सा घर है? यही तो है सर, ये वाला। ये वाला? जी। आज होली है जो हम होली खेलने आए हैं, मजाक बना के रखा हुआ। और हम लोग सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? पकड़ो से। अरे भगवान, सीआईडी वाले एक दिन में कितना दागते हैं भाई। ओए पप्पू, इनके जो फेफड़े होते हैं ना वो फुलाद के होते हैं भाई। तो वो चल सीआईडी वाला बन, चल चल चल। बारिश नहीं हुई है और तू पानी बर्बाद कर रहा है। सीआईडी से भाग कर जाएगा तू?
अरे मरदोगे तेनु तो छटोगे नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? ये तो तुझे अब सीआईडी ब्यूरो चल के ही पता चलेगा कि क्या किया तूने। चल ओए चल पप्पू। सर सर वो मैंने झूठ क्यों बोला इनसे? सर खुद को बचाने के लिए। साफ साफ बता पूरी बात। सर वो मैंने इसको धोखा दिया और खुद को बचाने के लिए जेठालाल का नाम ले दिया। छोड़ी इसका मतलब है कि जेठालाल बिल्कुल निर्दोष है? ए पप्पू मुझे तो रब जी की कृपा से ये यकीन था और सीआईडी की मेहनत में भी यकीन था कि अपना जेठा अपराध निर्दोष साबित हो गया होगा। ओ बधाइयां मुबारक मल्ले मल्ले। सॉरी सॉरी जी। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पंकज चल। सर मैं जा सकता हूँ? ठीक है अभी आप जा सकते हैं, लेकिन आगे से किसी को पान सुपारी कत्था देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, समझ गए? जी सर समझ गए। दया बिन को फोन करते हैं। जल्दी कीजिए सर जल्दी कीजिए, बहुत खुश हो जाएंगी वो। हेलो दया बिन, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ अरे खुशखबरी है आपके लिए, आपके पति जेठा भाई बिल्कुल निर्दोष साबित हो गए। अब कोई चिंता मत करना। हाँ मैं तो पहले से ही चाहती थी टप्पू के पापा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। हाँ मेरी भाई इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए, आपको मन पसंद खाना बनाऊंगी, खोपर ढोकर पात्रा जो भी कहा हो आना जरूर पहुंचा जाएगा। थैंक यू दया बहन थैंक यू। ओके सर वो हमारी दया भाभी है ना, वो साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। बिल्कुल जी सबका बहुत ख्याल रखती है। बहुत ख्याल रखती है जी, जैसे आप सीआईडी वाले हम पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं जी। वो सीआईडी सर जी वो आप सबका ऑटोग्राफ मिलेगा जी, क्या है ना हम दोनों जो है ना आपके बहुत बड़े फैन हो गए जी। बाय गॉड ग्रेस जी। अरे सोड़ी भाई जिस तरीके से आपने इस केस में जोश और होश के साथ हमारी मदद की है हम भी तो आपके दीवाने हो गए हैं। Oh my God, पापा सुना क्या कहा? Thank you. सच कह रहा हूँ सर, अगर आप लोग नहीं होते ना तो अंकुश का भांडा कभी नहीं फूटता। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं मेरे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आप सबके बारे में एक जबरदस्त इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। क्या बात है बाबू, शाबाश। देखिए तो हमारा फर्ज है हर नागरिक की रक्षा करना किसी भी मुसीबत में। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ जितने भी देश की सीआईडी है ना हमारे देश की सीआईडी जैसे होनी चाहिए। जय हिंद। और हम सब कहते हैं कि दुनिया का हर नागरिक आप जैसा ही जिम्मेदार हो। सीआईडी सर और थैंक यू, आप सबने तो दिल खुश कर देता। आप गले तो मर सकते हैं जब भी बात सकते हैं, मजा आ गया। बल्ला 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 बल्ला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।